जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो उनका बिल्कुल जुमला है, फेक है। आज आप देख रहे हैं बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं देश के अंदर, आज आप खुद देख लीजिए। हर कोने कोने से आवाज़ें आ रही हैं महिलाओं के शोषण की, महिलाओं पर अत्याचार की। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा है ये फेक है, इसका कोई मतलब नहीं है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। बहनों को लखपति बना रही है बीजेपी सरकार, लखपति। कोई बहन लखपति नहीं बनी है, सिर्फ कागजों में लखपति बनाते हैं ये लोग। कौन सी बहन कोई आवाज दे दे खड़ी होके कि हमें लाख रुपया मिला हम लखपति बन गई हैं। एक कागजों में सिर्फ इनकी मुहिम चलती है और वो वहीं खत्म हो जाती है, आम आदमी तक वो कुछ नहीं पहुंचता। नवजात से बचाई जा रही है महिलाएं आज, हिंदू बेटियां। भाई साहब ये कोरी बकवास है, इनकी सिर्फ जुमलेबाजी है, वोट बटोरने का एक तरीका है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। ना लव जिहाद से कोई बचाव हो रहा है ना किसी, ये कोई मैटर ही नहीं है, ये सिर्फ देश को बांट करके धर्म और जाति के नाम पे सिर्फ शासन कर रहे हैं। हिंदू मजबूत हो रहे हैं, सिर्फ बकवास है। ये मुसलमानों का क्या नुकसान कर रहे हैं आप मुझे ये बता दें, ये मुसलमानों को भी मजबूत कर रहे हैं, हिंदू को भी मजबूत कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को डरा रहे हैं और वोट बटोर रहे हैं। ना मुसलमानों का कुछ बिगाड़ रहे हैं ना हिंदुओं का कुछ बिगाड़ना, ठीक है, एक दूसरे को डरा के अपनी सिर्फ अपनी वोट बैंक को वो बना रहे हैं। कन्याओं के पैर पूजने से अच्छा है कि उनकी सुरक्षा करिए, उन्हें उनको पढ़ाई के लिए फ्री एजुकेशन दीजिए, उनकी नौकरियां सुनिश्चित कीजिए, उनको महंगाई से निजात दीजिए, उनकी एजुकेशन फ्री कीजिए, वो है पूजन। ये ड्रामा ही पूजन है, मैं पैर पकड़ लूँ वो पूजा हो गई, वो पूजा हो गई। असली पूजा तो वो है कि उनकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए, उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। ईवीएम को लेके आई थी पर ईवीएम का मिसयूज करने के लिए कांग्रेस ने नहीं बोला था, कांग्रेस ने ईवीएम मशीन लाई थी लोगों की सुख सुविधाओं के लिए, टाइम बचाने के लिए और हर कार्यकर्ता और हर गाँव का व्यक्ति वोट कर सके। बीजेपी के बलात्कारी सांसद, बीजेपी के बलात्कारी मंत्री, बीजेपी के बलात्कारी एमएलए, संस्कारी लोग हैं, वो तो संस्कारी पार्टी है, हिंदुत्व की संस्कारी पार्टी नहीं है, बलात्कारी पार्टी है, बलात्कारी पार्टी बीजेपी बलात्कारी पार्टी है। ये कौन कहता है? पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं कहती है बीजेपी बलात्कारी पार्टी है। उनको वोट कौन दे रहा है फिर? इनको मशीनों में गड़बड़ करते हैं, मशीनों में गड़बड़ करते हैं, कोई इनको वोट नहीं देता। देखिए आज हम यहाँ से देश के कोने कोने से हम महिलाएं हैं, सभी यहाँ इकट्ठी होकर के एकत्रित होकर एक आवाज़ उठाने के लिए आई हैं। जो आवाज़ हमारी मोदी जी तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जो इन्होंने हमें महिलाओं का आरक्षण दिया वह एक जुमला है, उसके बारे में उसको अभी लागू करने के लिए हमारी मांग है। उसको 2029 की बजाय अभी 2024 में लागू किया जाना आवश्यक है, तभी हमारे साथ, हम महिलाओं के साथ, देश की महिलाओं के साथ न्याय होगा। ये बात तो सदन में उठाइए ना आप। नहीं, सदन में भी उठाई है हमने, हमारे राहुल गांधी जी नेता हैं, उन्होंने सदन में भी उठाई है और आगे भी उठाएंगे, लेकिन हम मोदी जी तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि वो इस हमारी आवाज़ को सुने और तुरंत प्रभाव से महिला आरक्षण कानून को अभी लागू करें 2024 में विधानसभा इलेक्शन से पहले। दूसरी मांग है हमारी कि नारियों के साथ, महिलाओं के साथ न्याय हो, महंगाई पर लगाम लगाई जाए। आज देश में महिलाएं हर तरह से त्रस्त हैं, बेरोजगारी, उधर महंगाई, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, महिलाओं को भी अपनी किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। सारी जो जितनी भी समस्याएं होती हैं वो महिला के सिर पर आती हैं, बच्चों को देखना और किचन चलाना, रसोई चलाना। लेकिन मंत्री बना दिया उन्होंने, योगी मोदी की जय जयकार हो रही है देश में, अपने मुँह से जय जयकार हो रही है, जनता से जाके पूछो ना, जनता से जाके पूछिए। योगी जी जहाँ शासन कर रहे हैं वहाँ भी देख लीजिए जाके, कितनी बेटियाँ सुरक्षित हैं, कितनी महंगाई से निजात मिल रही है लोगों को, कितने किसानों की सुन रहे हैं वो, कितनी 6000 रुपया दे रही सरकार किसानों को एक साल में। वो 6000 जो दे रही है ना, वो इधर से देती है दूसरी तरफ से निकाल देती है। पहली बात तो सब किसानों को 6000 रुपया नहीं मिल रहा, गरीब महिलाओं को फ्री कनेक्शन दिए जा रहे हैं गैस के, ये ग्राउंड लेवल पे जीरो है स्कीम, इनकी कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ इनके कनेक्शन दिए जा रहे हैं, बिजली कनेक्शन सिर्फ कागजों में है। कितनी महिलाओं को मिल रहे हैं मुझे, ये इतनी महिलाएं देश के कोने कोने से यूपी से भी आई हुई हैं, आप मेरे को पूछ के बता दीजिए कितनी महिलाओं को करती है ना बीजेपी सरकार का कांग्रेस ही है ना, इसलिए दिखता नहीं आपको विकास। जी ये सब बातें हैं करने वाली, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। विकास मीडिया गुणगान करता है मोदी सरकार का, विकास हो रहा चारों तरफ। मीडिया को तो इन्होंने हाईजैक किया हुआ है, ठीक है, मीडिया फेयर बात नहीं करता। अगर सचमुच में आप विकास हो रहा है तो वो ग्राउंड पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? गाँव में जाके देखिए सड़कों का क्या बदहाली हो रही है, जनता आज त्रस्त है,
मजदूर त्रस्त है आज, महंगाई की मार महिलाओं पे पड़ रही है। आप मुझे कोई तो फील्ड बता दीजिए, व्यापारी दुखी है, कोई तो आप फील्ड बता दीजिए जिसमें विकास हो रहा हो, आप बता दीजिए मेरे को। लेकिन ये तो कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, आज बेटी स्कूल जा रही है, खुलेआम रात को घूम सकती है कहीं भी। ये पहले भी थी और आज भी है, ठीक है, ये कोई इन्होंने कोई सुरक्षा कवच नहीं पहना दिया, बेटियों के साथ आज भी अत्याचार हो रहे हैं, इतनी सुरक्षा कवच दे रखे थे तो क्यों हो रहे हैं, ये खुद अत्याचार कर रहे हैं। आपने देखा मोदी पैर पूछते हैं कन्याओं के जब वो आते हैं नवरात्र, ये तो ड्रामा है। 10 साल से महिलाओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और हर सब्जी दूध घी बटर सिलेंडर के दाम कम करे सरकार, महिलाओं की सुध ले, और हर दिन नए बलात्कार हो रहे हैं, देश और प्रदेश सहकार कर रहा है। मैं तो बीजेपी की सरकार से यही कहूंगी कि उनको महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए, और जो नरेंद्र मोदी ने 33% बिल पास किया उसको तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो इसको महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ मिले। बेटी सुरक्षित है देश में, बेटी सुरक्षित है आज, बेटी तो हाहाकार कर रही है, कोई सुरक्षित नहीं है, डेली दिन रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, इतना अत्याचार हमने जीवन में नहीं देखा जितना हो रहा है मोदी सरकार में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा शर्मसार हो रहा है, तार तार हो रहा है। देखिए अमित शाह कहते हैं बेटियां रात को 12 बजे भी निकल सकती है घर से बाहर रोड पर, कोई खतरा नहीं है। दिन के 12 बजे भी नहीं निकल सकती, आप रात की बात तो छोड़िए, दिन के 12 बजे भी महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये कौन लोग हैं जिनसे खतरा है, जिनसे बीजेपी के लोग अग्निवीर आ गए हैं, आपके बच्चे जा रहे हैं भर्ती होने के लिए। अग्निवीर में कोई बच्चा भर्ती नहीं हो रहा, सब ने अग्निवीर को ठुकरा दिया है। हरियाणा में हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, और दोबारा से हरियाणा पहले नंबर पर आएगा। मैं पंजाब से आई हूँ, नेशनल की कोऑर्डिनेटर हूँ महिला कांग्रेस में। तो क्या है, महिलाएं परेशान है क्या देश में से, सब लोग चले आए? आप खुद देखें, आप दूर दूर तक कैमरा घुमाएं, आप मीडिया वाले हैं, आपको दिखना चाहिए, हर स्टेट से महिला आई हैं और बारी गिनती में आई हैं। उम्मीद थी कि 5 से 10 हज़ार महिलाएं आएंगी, पर हमारी कुर्सियां भी कम पड़ गई हैं। लेकिन आपको तो आरक्षण मिल गया है मोदी सरकार में, अब आप सदन में जाएंगे 33% हो गए हैं आप लोग। आरक्षण मिला है, लागू नहीं हुआ है भाई साहब, अभी लागू नहीं हुआ है, लागू होगा उसे माना जाएगा, लागू नहीं हुआ है अभी। सर्वे कराएंगे वो भी? सर्वे तो बहुत देर से चल रहे हैं, कब से चल रहे हैं, 10 साल हो गए अभी तक सर्वे नहीं खत्म हो गया। तो विश्वास नहीं है मोदी जी पे आपको? बिल्कुल भी रत्ती भर विश्वास नहीं है हम लोगों को मोदी पर, अगर उन पे विश्वास होता और आज भिन्न भिन्न जगह से महिलाएं यहाँ इकट्ठी ना होती, आपको आपको पता होना चाहिए इस चीज का। महिलाएं आरक्षण पाकर खुश हैं, डांस कर रही थी नई संसद में। महिलाओं को ये नहीं पता था, उन्होंने एक लॉलीपॉप की तरह से आरक्षण को डाला गया है, अभी पास नहीं हुआ है, मैं फिर दोहरा रही हूँ, इसीलिए आंदोलन किया जा रहा है यहाँ पर, और अकेला महिला आरक्षण के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है, 3 मुद्दों के कारण यहाँ आंदोलन हो रहा है। पहला मुद्दा महिला आरक्षण ओबीसी, जो बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। दूसरा मुद्दा जो महिलाएं पीड़ित हैं, जिनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको इंसाफ नहीं मिला है। और तीसरा मुद्दा जो महिलाएं महंगाई से जूझ रही हैं और चरम सीमा पर महंगाई पहुंच चुकी है, अभी तक महिलाएं उस चीज से जूझ रही हैं। महिलाएं फ्री गैस ले रही हैं, गरीब फ्री बिजली कनेक्शन ले रही हैं, फ्री अनाज ले रही हैं, और क्या चाहिए आपको? फ्री पे दुनिया टिकी है, बाकी जर्नल कहाँ जाएंगे, जर्नल कहाँ जाएंगे, वो तो बॉर्डर पर बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को मिल रहा है ना, तो जर्नी अब जर्नल है, अगर मैं जर्नल हूँ मेरे पास पैसा नहीं है इतना। EWS तो मिल गया आपको भी? अरे कितना मिला, क्या मिला, क्या दे रहे हैं वो? 10% EWS। कितना परसेंट दे रहे हैं? 10% महिला। और ये अपना फल कहाँ जा रहे हैं, दालों के रेट पता है, आप पुरुष हैं, आपको दाल का रेट पता है, मूंगी की दाल कितने की है? 140 रुपए। हाँ तो फिर आप खुद सोचें, आप भी गृहस्थी वाले इंसान हैं, घर चलाना मुश्किल हो रखा है, महिलाओं के लिए दुविधा बनी पड़ी है इस टाइम। वोट कौन दे रहा है फिर इनको? वोट पे हम तो मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए, ठीक है, ये ईवीएम जो मशीन है इनमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, भारी तदार पे। पार्टी फिर क्यों नहीं गई चुनाव आयोग में, फिर किस चीज पे? ईवीएम को लेकर क्या मुद्दा नहीं उठाया उन्होंने? उठाया, राहुल जी ने उठाया, प्रियंका जी ने उठाया, सबने उठाया, खड़के जी ने उठाया। बात आप समझे, यहाँ
आंदोलन हो रहा है। आंदोलन में आप किसी भी महिलाएं से पूछे, ये आंदोलन सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, आंदोलन में भिन्न भिन्न प्रकार की महिला आई है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, और कोई महिलाएं जो नीचे ग्राउंड स्तर पर किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रख रही हैं, वो भी इस संगठन का हिस्सा बनी है। ये वो नहीं है कि कांग्रेस की महिलाएं हैं, सब वर्ग की महिलाएं यहाँ पहुंची। आप एक बार पूछें, पंडाल में जाएं, आप पूछें और आपको वो महिला जरूर मिलेंगी।